अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे साथ आज नए स्केटर हैं जिनका नाम है अब्दुल शकूर, और सेफ्टी भी पहनी हुई है, न्यू स्केटिंग शूज़ लिए हैं इन्होंने, और माशाल्लाह आज इनकी तीसरी क्लास है। आज इनको स्केटिंग करवाते हैं और इनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, देखते हैं कि कितनी स्केटिंग कर सकते हैं। वेट भी काफ़ी है, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पेट कम होता है और इंसान की सेहत अच्छी रहती है, कभी सेहत ख़राब नहीं होती। और ये बहुत अच्छे से स्केट करते हुए आगे झुकने हैं, आगे वज़न आपका आगे हो, और आप फ्रंट साइड पे हो जाएं, ठीक है, ज़बरदस्त। अभी आपका स्टार्ट है, आहिस्ता आहिस्ता आपका बैलेंस बनेगा, बस अब वापसी जाएं, रिटर्न मुड़ना है, ठीक है, थोड़ा सा इजी होके, जल्दबाजी नहीं करनी, आ जाएं, बहुत अच्छे अब्दुल शकूर भाई बहुत अच्छी स्केटिंग कर रहे हैं। और ये देखें नया स्टूडेंट कमाल की स्केटिंग करते हुए, स्केटर अफनान स्केटर और दानियाल स्केटर अभी हमें स्केटिंग करके दिखाएंगे रोड पे, और हम इनकी वीडियोस बनाने वाले हैं। कम बैक बैक बैक, एक बार स्टाइल, और बाकी के स्केटर हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। चले चले पीछे वालों, बहुत अच्छे शबाज़ स्केटर आगे निकल गया है, अफनान स्केटर पीछे, अरसलान उसके पीछे, रजा और मुजम्मल स्केटर, कमाल की। ये देखिए रजा स्केटर, कोई स्टैंड दिखाएं यार। दोस्तों अभी हम रजा स्केटर की स्केटिंग चेक करवाने वाले हैं आपको, काफ़ी फास्ट रही, चल बहुत खूब, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, रुकना भी है, ब्रेक का इस्तेमाल कर, आज आराम से इजी होके ब्रेक। शाम का टाइम है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है, गर्मी से बुरा हाल हो गया और स्केटिंग पे हैं, अभी हम वापस जाने वाले हैं, सब दोस्तों और स्केटरों को इकट्ठा करते हैं। हर जुमे के जुमे हम आते हैं, एवरी वन, कोई भी आ सकता है यहाँ पर स्केटिंग सीखने, बिल्कुल मुफ्त स्केटिंग सिखाई जाती है हमारे पास, और बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं, जैसे कि आप नॉन स्केटर को देख सकते हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे बच्चे। अच्छा अच्छा, आप हर फ्राइडे आते हैं, चलो रेगुलर आया करें। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, हर तौसा बैराज पर हम
इंजॉय कर रहे हैं। अब शाम हो गई है, वापसी जाने का टाइम हो रहा है। दानियाल कैसे हो, मज़ा आया? ज़फ़र स्केटर जंप करने वाले हैं। अच्छा तो आपने खड़े होना है स्केटिंग पे गिरने के बाद, पहले घुटना उठाना है, दोनों हाथों से पुश करना है और ज़ोर से सीधे खड़े होना है। ज़बरदस्त, अब आप स्केट कर सकते हैं। आ जाओ आ जाओ, कभी भी बैलेंस आउट होने पर आगे की तरफ गिरना है, पीछे की तरफ नहीं गिरना, वरना आपको पीछे गिरने की वजह से चोट आ सकती है। दोस्तों ये है हमारा कोटादू स्केटिंग क्लब, जो कि दूर दूर से बच्चे भी हमारी स्केटिंग देखने के लिए आते हैं और लड़के यहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। अब हम पूछते हैं अब्दुल शकूर स्केटर से कि कैसा लगा आज आपको स्केटिंग करके। शकूर भाई कैसा लगा आपको? अस्सलामुअलैकुम काशिफ भाई, बहुत अच्छा लगा। हेड पे आके स्केटिंग कर रहा हूँ मैं, मुझे बहुत बड़ा शौक था और आपकी मेहनत से आज बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ और बहुत ही कुछ सीख चुका हूँ मैं, बहुत ही अच्छा हुआ है। यहाँ पर पहला दिन है स्केटिंग के लिए, ग्राउंड सही है आपके लिए? ये ग्राउंड बहुत आला है, पहला दिन है मेरा, वैसे चार दिन हो गया यहाँ पे, पहला दिन है, बहुत अच्छा ग्राउंड है, अल्हम्दुलिल्लाह सही हो रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी मेहनत से बहुत जल्दी सीख जाऊँगा। चलो सही है। दोस्तों आप भी आना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास आकर स्केटिंग सीख सकते हैं। कोटादू स्केटिंग क्लब और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।